नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश और स्वागत है आपका आज के इस एक और नए वीडियो में। आज मेरे पास खड़ी है टाटा की सफारी, दी ऑल न्यू सफारी, जो अभी अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई थी। सेफ्टी रेटिंग्स में भी इसने तहलका मचाया था, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसलिए लेके आई थी। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से ये नए प्लेटफॉर्म पर ये डिज़ाइंड है और काफ़ी सारे बॉडी ग्राफिक्स इसके चेंज हैं, वही साथ अंदर से फीचर्स में भी इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे वो है इसका इंजन वही पुराना 2 लीटर का डीजल इंजन सपोर्ट करती है। पहले भी सिर्फ डीजल में ही आती थी, अभी भी सिर्फ डीजल में ही आ रही है ये। 167 BHP की पावर, 350 Nm का टॉर्क ये इंजन सपोर्ट कर देता है, वहीं एवरेज क्लेम्स अभी तक प्रॉपर नहीं आ पाए हैं। बाय द वे, एवरेज डीजल की गाड़ी तो एवरेज आराम से निकाल ही देगी, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी जो है। दूसरी सबसे बड़ी बात, काफ़ी जने बोल रहे भाई रेंज रोवर, लैंड रोवर, जगुआर की फील्स आप दे रही है। हाँ दे रही है, बिल्कुल दे रही है, 19 इंच के अलॉय व्हील्स दे रही है टाटा, तो फील भी देगी। वही अलॉय व्हील्स ये डिज़ाइन है और आप अपने बिल्ड टू ऑर्डर के अलॉय व्हील्स भी इसमें लगवा सकते हैं। चेंजेस क्या क्या नहीं है मुझे तो देखने बोल रहे हैं वो है ये वैसा का वैसा ही है जैसा पहले हैरियर वगैरह में आया था, सफारी में आया था। साइड की डिज़ाइनिंग्स वही हैं, जैसे कि ये ग्लास कट की डिज़ाइंस वगैरह थी, ये वही आपको देखने को मिल रही हैं। रूफ रेल की डिज़ाइन थोड़ी चेंज कर दी गई हैं। ये है अपना अकम्प्लिश प्लस 7 सीटर के साथ में 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, जिसमें बीच में आपको कैप्टन सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। बट अपने पास है 7 सीटर ऑटोमेटिक अकम्प्लिश प्लस मॉडल, तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाए, ये ऑलमोस्ट 26 लाख एक्स शोरूम पड़ जाता है। इसकी पूरी जो सेगमेंट की प्राइस है वो 16 लाख से लेके 27 लाख एक्स शोरूम तक आपको देखने को मिल जाती है। उसमें जो फीचर्स की लिस्ट आएगी, मतलब जो मॉडल्स की लिस्ट है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी और उसी के साथ में ही जितने कलर्स ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे उन सबकी स्क्रीन पे आप लोगों को एक लिस्ट दिख जाएगी। फ्रंट से स्टार्ट करें तो फुल्ली रीडिजाइंड है और कुछ ना लगा हो लैंड रोवर का, पर मुझे ये ग्रिल जरूर लगी है लैंड रोवर की। टाटा का बीच में लोगो 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा आपको इसमें माउंटेड मिल जाता है, उसी के साथ में फ्रंट में पार्किंग सेंसर, डबल स्प्लिट ग्रिल और नीचे आप लोगों को स्किड प्लेट का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है। उसी की साइड में बात करें तो आपको एक कनेक्टेड एलईडी डीआरएल जो कि वेलकम फंक्शन वगैरह सपोर्ट कर देगा वो अपन दिखाएंगे बाद में, पर पहले बता देता हूँ आप लोगों को हेडलाइट्स का फंक्शन। बाई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट इसको मिलेंगे, उसी के साथ में नीचे आपको बाई प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसी के बीच में आप लोगों को सफारी की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी वापस से। नीचे आपको पियानो फिनिश मिल रही है, कलर का ग्लॉस काफ़ी अच्छा है, PPF या फिर सिरेमिक कोटिंग ये मांगेगा ही। साइड में बात कर लेते हैं, अनलॉक करेंगे तब आप लोगों को बता दूंगा। जैसे साइड में आ जाते हैं अपन, तो सबसे पहले अपन को इसका अलॉय व्हील्स, भाई दिल छूने वाली बात है ये। और ही नहीं, इससे भी अलग डिज़ाइन आप लोग बनवा सकते हो अपने लिए, मतलब मंगवा सकते हो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उनके हिसाब से। जो इसकी साइज है 245/55R19 के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं भाई, और इसी के साथ साथ फ्रंट डिस्क और रियर डिस्क कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है, तो बीच में आप लोगों को सफारी भी दिख ही जाएगा साइड में, जो कि एक ब्रांड स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे टच होते हैं जिनसे एक ब्रांड डेवलप होता है गाड़ी का भी। डुअल टोन में ये गाड़ी है तो इसमें आप लोगों को रूफ टोन ORVMs मिल जाएंगे, जिसमें इंडिकेटर्स एंड साइड में आप लोगों को 360 डिग्री का कैमरा भी मिल जाएगा। नीचे आपको क्रोम की पिन स्ट्राइपिंग्स मिल जाएंगी रियर तक, और वही भाई टाटा तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है अपने 50 लाख गाड़ियों को 25 साल में। और थोड़ी रियर प्रोफाइल की बात करें तो ऊपर रूफ रॉयल्स में पहले आप लोगों को जैसे ये पुरानी वाली सफारी की फ़ोटो लगी है, और अगर आप कॉर्नर में नोट करें तो यहाँ पे आपको रूफ रेल में सफारी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बट नई वाली सफारी में ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा। शार्क फिन एंटीना ऊपर मिल रहा है, रियर स्पॉइलर मिल रहा है, रियर स्पॉइलर के साथ में आप लोगों को रियर फॉग लैंप्स, यहाँ पे सफारी, यहाँ पे टाइगर, मतलब टफ सफारी है तो जनरल सफारी की फील भी दे ही देगी। रियर वाइपर वॉशर वगैरह आप लोगों को मिल जाते हैं, उसी के साथ रियर में एक कनेक्टेड टेल लैम्प का ऑप्शन भी आप लोगों को इसमें मिल रहा है। बीच में टाटा की ब्रांडिंग, नीचे 360 डिग्री कैमरा, नीचे अगेन सफारी की ब्रांडिंग और डुअल स्प्लिट आप लोगों को रियर बम्फर मिल रहा है, डुअल टोन रियर बम्फर मिल रहा है जो कि स्किड प्लेट सपोर्टेड है। उसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को रियर फॉग लैम्प, रिवर्स लाइट्स का ऑप्शन टग्ड इन मिलेगा, वहीं ऊपर आप लोगों को सिर्फ ब्रेक लैम्प्स वगैरह का ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, उसके साथ इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, इसकी फ्यूल कैपेसिटी कितना है, इतना रिसर्च करके आप लोग बता ही देना। यहाँ पर आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, जिसमें आपको डोर हैंडल पे सेमी क्रोम और सेमी बॉडी कलर फिनिश देखने को मिलती है। चलिए इसका एनिमेशन ऑन करके दिखाते हैं, अनलॉक करते हैं, गाड़ी के अंदर चल के डिटेल्स बताते हैं कि वही पुरानी मिल रही है टाटा की।
की वही पुरानी मिल रही है टाटा की, इसको भी चेंज कर देना चाहिए था टाटा को, इतना कुछ चेंज किया तो। ये एक वेलकम एनिमेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अंदर। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, ऑटो फोल्डेबल के साथ में आपके ORVMs मिल जाते हैं। तो भाई अपने एडवांस लेवल फीचर्स इसमें आ ही गए हैं, तो वो एक और फीचर दिखा देता हूँ, वो है ये। ये आप लोग देख रहे हो, हाँ भाई, लेन डिपार्चर का असिस्टेंट, मतलब ये ब्लिंक करने लग जाएगा अगर आपकी इस लेन डिपार्चर में कोई गाड़ी आ रही होगी तो। पूरा वाइड ओपन अपन ने गेट कर दिया है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर से। ड्राइवर साइड डोर में नीचे आप लोगों को रियर लाइट दिख जाएगी कि आप बता देंगे गाड़ी का गेट खुला है, क्योंकि गाड़ी से ज़्यादा बड़ा तो उसका गेट ओपन है भाई, इसका प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा। वेट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप लोगों को लेदर फिनिशिंग मिलेंगी, सारी विंडोज़ के कंट्रोल आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे। वहीं एक स्टील फिनिश पे अपन बता सकते हैं इसको, क्रोम फिनिश मैं नहीं बोलूँगा, स्टील फिनिश में आपको डोर अनलॉकर्स वगैरह मिल जाएंगे। ग्रैब हैंडल्स पे भी आपको क्रोम, ग्रैब हैंडल्स पे भी आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ORVMs के एडजस्टमेंट, ORVMs के पास में फोल्डिंग का ऑप्शन भी आप लोगों को यहीं देखने को मिल जाएगा। नीचे बोतल होल्डर और मैगजीन होल्डर के स्पेस मिल जाएंगे। इस गाड़ी में आप लोगों को और क्या क्या मिलता है भाई, तो चलिए अभी बता दूँ और आप लोगों को इस गाड़ी में क्या क्या मिलता है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिलता है, 7 एयरबैग मिलते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर का नी एयरबैग, उसी के साथ में इसमें आपको 5 स्पीकर, 4 ट्विटर और 1 सबवूफर का ऑप्शन मिलता है। 12 इंच के इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह ये सब सपोर्ट कर देता है। और क्या चाहिए, और भी चाहिए आप लोगों को स्क्रीन, तो आप लोगों को एक स्क्रीन ये मिल जाएगी, अभी इल्यूमिनेट करके दिखाएंगे, पर उससे पहले दिखाते हैं अपन ड्राइवर की सीट। ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, मेमोरी फंक्शन के साथ में वेंटिलेशन का भी इसमें आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, और बकेट फिनिश की सीट है ही, आप लोगों को लेदर अपहोलस्ट्री में सीटिंग्स मिलेंगी। तो अब चलते हैं अपने इस इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर के अंदर आपको स्क्रीन्स की भरमार मिल जाएगी। सबसे पहली जो स्क्रीन देखने को आपको मिलेगी वो है ये, नहीं भाई, ये स्क्रीन नहीं है। सबसे पहले बता देते हैं, अपन गाड़ी को कर लेते हैं पहले स्टार्ट। स्टार्ट से पहले बता दूं, इंटीरियर में भी आपको वुड फिनिश मिल रही है भाई, जैगवार वाली फील। अब टाटा की जैगवार है तो टाटा की सफारी है, उसमें भी आपको सारे फिनिशेज मिलेंगी। यहाँ पर आपको लेदर फिनिश मिलेगा, यहाँ पर पियानो, यहाँ पर वुड, यहाँ पर अगेन सॉफ्ट टच का फील दिया गया है। सब ऊपर की डिज़ाइनिंग वगैरह आप लोगों को वहाँ मिल जाएंगी। यहाँ भी आपको ट्विटर्स का ऑप्शन देखने को मिल ही जाएगा। वैसे ये स्पीकर है, ट्विटर नहीं है, ट्विटर्स आपको डोर्स में ही मिलते हैं, जैसे JBL का लिखा हुआ है वहाँ पे। एक प्रीमियम फील कराने के लिए गाड़ी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को। तो ये रहा अपना स्टार्ट बटन, इसको करते हैं अपन प्रेस वन टाइम, तो आप लोगों के लिए ये स्क्रीन ऑन अवेक हो जाएगी और कुछ ऐसा सा डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलेगा। 10.2 इंच का ये डिस्प्ले है, 12 पॉइंट कुछ इंचेस की ये डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाएगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं सेकंड में आप लोगों को प्रॉपर एनिमेशन शुरू होंगे, जैसे कि टाटा मोटर्स का, सारी स्क्रीन एक साथ अवेक होंगी। फुली डिजिटल आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पर आपका लोगो भी एलिमिनेट हो गया है। और अपन बात कर लेते हैं पहले AC ऑफ करके, और अपन बात कर लेते हैं भाई स्टेयरिंग व्हील की। तो 4 स्पोक्स स्टेयरिंग व्हील है, लेदर रैप है, बिना लेदर की भी रैप है, अंदर लेदर बाहर बिना लेदर, बीच में आपका हॉर्न पैड वगैरह, फ्लैट बॉटम है। इतना फ्लैट बॉटम आज तक किसी गाड़ी में नहीं मिला। वैसे पहले साइड में फ्लैट साइड्स मिलती हैं, बॉटम नहीं मिलता। 4 स्पोक्स स्टेयरिंग व्हील है, ऐसे पकड़ के चलाने में काफ़ी ईजी रहेगा, वैसे सोचा तो है कुछ। अब लेन कैप असिस्ट भी है, और यहाँ पर आप लोगों को स्पीड वगैरह का सिस्टम भी मिल जाता है, तो आपको एडास के फीचर्स वगैरह भी मिल ही जाएंगे। नेविगेशन वगैरह के सारे कंट्रोल्स भी आप लोगों को देखने को मिल ही जाएंगे। क्रूज़ कंट्रोल है, वैसे ही आपको यहाँ पे मेटल फिनिश के बटन्स देखने को मिल जाएंगे। ये स्क्रीन आपको काफ़ी क्लीन रखनी पड़ेगी, वरना टाटा का लोगो इतना अच्छा इल्यूमिनेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्क्रैच ओरिएंटेड स्क्रीन्स वगैरह मिलती हैं ही। यहाँ पे सारे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। यह आपकी इतनी बड़ी मल्टीमीडिया है, जो कि JBL के स्पीकर्स और सबवूफर के साथ में पेयर्ड अप है। नीचे आप लोगों को रियर फॉग लैम्प, फ्रंट फॉग लैम्प के स्विचेस, जैसे कि टाटा के स्विचेस हमेशा यहीं आते हैं फॉग लैम्प्स के, AC के कंट्रोल्स और अपने हजार्ड लैम्प वगैरह के कंट्रोल आपको यहीं मिल जाएंगे। उसी के साथ 360 डिग्री कैमरा का भी आप लोगों को यहीं देखने को मिल जाएगा। टाटा की गाड़ी में मेरे को एक बात अच्छी लगी, जैसे कि ये मेरा साइड का डोर ओपन है, तो यहाँ वाला कैमरा बंद हो चुका है। 2D 3D और अपन अलग अलग सेटिंग्स में इसको देख सकते हैं। इसको कर देते हैं अपन बंद। अपन करते हैं थोड़ी सी एडजस्ट सीट को,
वैसे ही।